हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको चॉकलेट बॉल्स बनाना बताऊंगी और जिस मिक्सचर से हम चॉकलेट बॉल्स बनाएंगे उसी मिक्सचर से मैं आपको रम बॉल्स बनाना भी बताऊंगी। तो चॉकलेट बॉल बनाने के लिए हमें डार्क कंपाउंड चॉकलेट का एक बार चाहिए, एक बार मिल्क कंपाउंड का चाहिए। मतलब आपको दोनों कंपाउंड इक्वल ही लगेंगे। इसे हम नाइफ की सहायता से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे इस तरीके से। ये दोनों कंपाउंड को हमने इस तरीके से चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब हमें इसमें लगेगा चोकोस 1/4 कप और ये है वैफी, ये भी 1/4 कप लगेगा वेफर्स। इसको हम हाथों की सहायता से इस तरीके से क्रश कर लेंगे और चोकोस को भी हम बेलन या छोटे हमारे यहाँ जो सिलबट्टे का पत्थर आता है उसकी सहायता से इस तरीके से क्रश कर लेंगे। आप इसे मिक्सी में मत चलाइएगा, ये आप बेलन की सहायता से या किसी भी पत्थर की सहायता से इसे इस तरीके से क्रश कर सकते हैं। और हमें 1/4 कप कटी हुई बादाम लगेगी, ये हमारे ड्राई इंग्रीडियंट्स है। और अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क मेड डालेंगे और 1 टेबलस्पून बटर, ये हमें इस चॉकलेट में मिक्स करना होगा। लेकिन कैसे, चॉकलेट हम डबल बॉयलर में डालकर पहले मेल्ट करेंगे। तो डबल बॉयलर कैसे करेंगे ये हम आप देखते हैं। फ्रेंड्स, डबल बॉयलर मतलब हम पहले किसी पैन या कढ़ाई में पानी रखेंगे और पानी के अंदर एक बर्तन रखेंगे और हम फिर पानी को बॉईल करेंगे। तो चॉकलेट कभी भी डायरेक्ट गैस पर गर्म नहीं, डायरेक्ट गैस पर नहीं मेल्ट की जाती है। चॉकलेट हमेशा डबल बॉयलर में ही मेल्ट की जाती है। अगर आपके पास इस तरीके से कढ़ाई या कांच का बॉयल नहीं है तो आप इस तरीके से किसी भी भगोने या तपेली के ऊपर कढ़ाई को रखकर इस तरीके से भी चॉकलेट को मेल्ट कर सकते हैं। ये भी डबल बॉयलर का काम करता है। अब हम इसमें ये चॉकलेट्स जो हमने कट करके रखी थी वो इसमें डाल देंगे। ये चॉकलेट इसमें देखिए मेल्ट होने लगी है। ये देखिए दोनों तरह की चॉकलेट मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें हमने जो क्रश करके चोकोस रखे थे वो डाल देंगे, बादाम डाल देंगे, वेफर्स डाल देंगे। अगर आप लोग चावल नहीं खाते हैं तो आप वेफर्स और चोकोस स्किप भी कर सकते हैं। इनको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम इसमें मिल्क मैट डालेंगे। अब हम इसमें बटर डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बताऊंगी। और अब हम इसमें 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे। ये हमारा चॉकलेट बॉल्स का मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अगर आपको रम बॉल्स बनानी है तो हमने जो वनीला एसेंस डाला है 1/2 टीस्पून उसकी जगह आप रम एसेंस डाल दें 1/2 टीस्पून तो वो रम बॉल बन जाएगी। लेकिन मैंने आज चॉकलेट्स बॉल बनानी है इसलिए मैंने इसमें वनीला एसेंस एड किया है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मिक्सचर अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इस मिक्सचर से छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। अब हम इस मिक्सचर से छोटी छोटी बॉल बना लेंगे इस तरीके से। और इसे हम फ्रिज में सेट होने रख देंगे।
10 से 15 मिनट के लिए नॉर्मल रेफ्रिजरेटर में हम इसे सेट होने के लिए रखेंगे। ये हमारी चॉकलेट की बॉल्स हमने बना के रख ली है, अब इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। हम एक बार फिर से बॉयलर गर्म करके उसमें हम सिर्फ डार्क कंपाउंड को मेल्ट होने के लिए डालेंगे। इस बार हम सिर्फ डार्क कंपाउंड चॉकलेट डालेंगे मेल्ट होने के लिए। ये हमें जो हमने चॉकलेट बॉल्स बनाई है उसकी कवरिंग के लिए चाहिए। ये देखिए, ये हमारी चॉकलेट मेल्ट होने लगी है। बस आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि जो पानी है वो उबलकर इसमें ना गिरे, चॉकलेट में हमें पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो हमारी चॉकलेट बिगड़ जाएगी। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए। ये बॉल्स हमारी सेट हो गई है, अब हम इसे धीरे से इस तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से हम सारी बॉल्स धीरे से निकाल लेंगे। इसमें बटर है इसलिए वो थोड़ी सी हार्ड है। ये देखिए, ये इजीली निकल जाएंगी। ये देखिए, इस तरीके से हम सारी बॉल्स निकाल लेंगे। ये हमारी डार्क चॉकलेट पिघल गई है। अब हमने ये जो डार्क चॉकलेट पिघलाई है इसमें हम ये जो हमारी बॉल्स हैं ये डालेंगे और एक एक बॉल को इस तरीके से कोट करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से कोट करेंगे ये, और वापस प्लेट में निकाल लेंगे। एक एक बॉल डालेंगे, ये डार्क चॉकलेट में हम उसे कोट करेंगे और फिर प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरीके से सारी बॉलों को हम डार्क चॉकलेट में कोट कर लेंगे। तो ये हमने डार्क चॉकलेट में कोट कर लिए हैं हमारे सारे चॉकलेट बॉल्स। अब हम इसे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए फिर से सेट होने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारी चॉकलेट बॉल्स बिल्कुल कंप्लीट है। अब हम इन्हें धीरे से इस तरीके से निकाल लेंगे। फ्रिज में रखने की वजह से ये सेट हो गई है। ये हमारी घर में खाने के हिसाब से बिल्कुल रेडी है। अगर आप इसे कहीं प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप इसे रैपर में रैप कर सकते हैं, चाकू की सहायता से इसे आइट साइड से काट कर इसे एक शेप दे सकते हैं। अभी हम इसे धीरे से निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, लीजिए, तैयार है हमारी चॉकलेट बॉल्स जो कि बहुत ही टेस्टी और यमी है। आप इसी रेसिपी के साथ रम बॉल्स भी तैयार कर सकते हैं। तो इस फेस्टिवल आप अपने घर पर चॉकलेट्स बॉल बनाइए जो बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद आती है, घर की बनी हुई बहुत ही टेस्टी और यमी चॉकलेट्स। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरा चैनल जायका इंदौर का को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, मिलकर बनाएंगे स्वाद कुछ खास।